हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरी के बुक से अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7D का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यक्स के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 तथा x9 संरेख हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 तथा जो है x9 संरेख है। ठीक है ना, तो बताना है x का मान हम लोगों को। ठीक है ना, सब मिला जुला के x का मान बताना है। आज दिया गया है हम लोग कि क्या है, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि जो है यदि बिंदु -3, 12, 7, 6, x9 क्या है, तो संरेख है। ठीक है, तो यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो क्या होना चाहिए, इन तीनों बिंदुओं का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, तो वह जो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यह हम लोग जो है पहले, इसके पहले जो भी क्वेश्चन बताए हैं, पहला दूसरा, इसमें यही सिद्ध किए हम लोग कि यदि समरेख है तो उसके जो मान क्या आ रहे थे, जीरो आ रहे थे। ठीक है, तो यह समरेख है तो इसके क्षेत्रफल का मान जो है क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा क्या, जीरो। त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा। ठीक है, तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, इसको कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसको जो है आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 y1 y2 - y3 x1 (y2 - y3) (y1) 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 (y1
हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है। अब आई इतना बराबर हम लोग लिख देंगे क्या, जीरो, मैंने आई त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया, आई बराबर जीरो लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग को इसमें जो है क्या करना है, मान रख देना है। अब देखिए इतना बराबर हो गया जीरो। अब देखिए इस सूत्रवा को थोड़ा और हल्का कर लेते हैं, तो इसको और हल्का करते हैं तो इसको ख़त्म कर लेते हैं। देखिए अब देखिए टोटल में जो है गुणा है ना इसका, मैंने गुणा के साथ है, एक है एक बटे दो, तो अब इसको जो हम लोग इधर ले जाएंगे तो गुणा के साथ है तो इधर होगा भाग, तो जीरो में अगर एक बटे दो से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो हुए होगा, ठीक है। तो अर्थात जो है बचेगा क्या, इतना बचेगा बराबर जीरो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग या करके लिख सकते हैं क्या, या यक्स वन, ठीक है, इसी सूत्र को यक्स वन वाई टू, थोड़ा हल्का कर रहे हैं, वाई टू माइनस वाई थ्री हैं, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, यक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन ब्रैकेट बंद, अब प्लस में यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ब्रैकेट बंद, आइयो ब्रैकेट बंद कर लेंगे, चाहे अब इस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है जब भाई ब्रैकेट हट गया। अब भाई इसका जब गुणा हो गया इसमें तो ये जो है ख़त्म हो गया, बराबर कर लेंगे जीरो, ठीक है ना। इसको क्या कर लेंगे, बराबर जीरो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, मैंने अब एक बटे दो मैंने जीरो, अब बटे में करेंगे एक बटे दो, मैंने अगर इस स्टेप में करें तो जीरो हाई एक बट्टे में जो हो जाएगा एक बट्टे दो, चलिए कर ही देते हैं, मैंने इसको इधर ला रहे हैं तो ये बट्टे में होगा ना, यहाँ गुणा में है तो जीरो अब बट्टे में एक बट्टे दो हो जाएगा, ठीक है। आज सब मिला जुला के क्या इसको जो है अब जीरो बट्टे एक बट्टे दो को जो है बराबर जीरो नहीं लिख सकते हैं, तो अब डायरेक्ट जो है इतना बराबर जीरो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब मैंने सब मिला जुला के हमारे कहने का मतलब क्या है कि इतना बराबर जीरो कर देना है, ठीक है ना। यह आप करके फिर से लिख दे रहे हैं, यक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस में यक्स टू
वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस में वाई थ्री एक्स थ्री, एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, बराबर जीरो कर दे रहा है, ठीक है ना। अब समझ में आएगा ना, ठीक है। अब देखिए, हम जो है डायरेक्ट जो है बताना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि हम चूँकि सोचते हैं कि हर बेसिक से बेसिक चीज़ आप लोगों को बताएं, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इसीलिए थोड़ा संतोष नहीं होता है, तो देखिए अब ये सब लिखना ही पड़ा, ठीक है ना। तो अब देखिए, इतना बराबर जीरो, हम डायरेक्ट इतना बराबर जीरो भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना बराबर अब जीरो हो गया। अब हम लोग जो है यहाँ से जो है इसका मान भर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहीं पे दिखा लेते हैं कि यह एक्स वन है, ये वाई वन है, हाई एक्स टू है, हाई वाई टू है, ये एक्स थ्री है, ये वाई थ्री है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हम लोग मान भरते हैं, तो यहाँ पे मान भरते हैं, तो एक्स वन का मान देखिए यहाँ पे क्या है, तो माइनस में तीन है, तो यहाँ पे भरेंगे माइनस में तीन इन टू वाई टू, तो वाई टू का मान देखिए छः है, तो छः भर देंगे, या माइनस में वाई थ्री, तो वाई थ्री का मानवा कहना है तो नौ है, तो नौ भर देंगे, हैं। आ प्लस में एक्स टू, तो एक्स टू का मान कितना है, सात है, ठीक है। आ वाई थ्री, तो वाई थ्री का मान किधर है भाई, नौ है। माइनस में वाई वन, वाई वन का मान कहना है भाई, तो बारह, तो बारह भर देंगे, हैं। आ प्लस में एक्स थ्री, तो एक्स थ्री का मान कितना है, तो एक्स थ्री का मान एक से है, तो एक्स थ्री का मान एक से भर देंगे, ठीक है। और फिर वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन का मान कितना है, बारह, और माइनस में वाई टू, वाई टू का मान कितना है भाई, छः, तो यहाँ पे छः लिख देंगे, अब ब्रैकेट बंद कर लेंगे, बराबर जीरो कर देंगे, कोनो दिक्कत, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं फिर से, तो माइनस में तीन, नौ में से छः घटा लेंगे, घटेगा ना भाई, यही प्लस में है, यहाँ कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब प्लस में है, तो प्लस छः और माइनस नौ, तो क्या होगा, घटेगा, तो नौ में से छः जा, नौ में छः जा तीन, आ कौन सी माइनस में, आ प्लस, अरे सात है तो सात रहने दीजिए, आ देखिए बारह माइनस में बारह है, आ प्लस में नौ है, तो मैंने यहाँ कौनो चीज़ नहीं, इसका मतलब प्लस में नौ है, तो बारह में से नौ घट जाएगा, तो यूँ क्या हो जाएगा, नौ तीन बारह होता है ना, तो माइनस में तीन होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह अधिका है, ठीक है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। आप प्लस में, अब प्लस में जो है क्या होगा, तो एक्स के मान एक्से है, तो एक्से रहने दीजिए, आप बारह में से छः घटा लीजिए, तो बारह में छः जा छः हो जाएगा, अब बराबर लिख देंगे जीरो। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अब देखिए माइनस तीन का माइनस है, ब्रैकेट जब खोलते हैं तो इसका इसके साथ गुणा होता है, ये जान लीजिएगा, जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका इसके साथ गुणा करके ही खोलेंगे, तो माइनस तीन का माइनस तीन में गुणा होगा तो कितना होगा बाबू, तीन तरीके नौ होगा। अब प्लस, अब देखिए तीन का जो है सात में है, देखिए प्लस में सात है, माइनस में तीन है, ठीक है, तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या चिन्ह आएगा, माइनस, तो इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, माइनस चिन्ह लगाएंगे, और सात तरीके का इस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छः गुणे एक्स, तो क्या होगा, अब प्लस से में रहेगा, प्लस एक्स, अब प्लस में छः का गुणा करेंगे तो क्या होगा, छः एक्स हो जाएगा, ठीक है, अब बराबर लिख देंगे जीरो, ठीक है। अब देखिए, अब जो है नौ अब माइनस में इक्कीस आ रहा है, तो नौ माइनस में इक्कीस आने का मतलब क्या हुआ कि इक्कीस में से नौ घटेगा और चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ग्यारह में से नौ जा दो एक, यानी कि बारह, वो माइनस में, ठीक है, तो इक्कीस में से नौ जा बारह, अब प्लस में क्या लिखेंगे, छः एक्स, बराबर क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है। अब जो है देखिए माइनस बारह है, तो इसको बराबर के इधर लाते हैं जिधर जीरो है, ठीक है, तो खाली इधर क्या बचेगा, छः एक्स बच जाएगा, और इधर जो है प्लस में बारह हो जाएगा, प्लस में बारह, जबकि चिन्ह नहीं दिखाते हैं यहाँ, आपके समझाने के लिए और समझने के लिए जो चिन्ह दिखा दे रहे हैं, ठीक है, तो प्लस में बारह यानी कि बारह लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए छः एक्स बराबर बारह, छः एक्स बराबर बारह, तो एक्स बराबर कितना होगा बाबू, तो छः देखिए यहाँ पे गुणा के साथ संबंध है, ठीक है ना, तो जब इधर आएगा तो भाग हो जाता है, तो बारह बटे क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, छः दूना बारह, तो ये हो जाएगा दो, तो एक्स का मान कितना हुआ बाबू, दो, ठीक है, एक्स का मान कितना हुआ, दो, तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि एक्स के किस मान के लिए बिंदु इतने तथा इतना जो है क्या है, संरेख है, तो एक्स का मान जो है दो होगा, तो जो है ये क्या होंगी, संरेख होंगी, ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक्स का मान जो है दो हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः पूछा ना कि एक्स के किस मान के लिए, अतः एक्स बराबर
दो के लिए बिंदु संरेख होगी, के लिए बिंदु क्या होगी, संरेख होगी, संरेख होगी, आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है कि यदि बिंदु माइनस एक तीन चार माइनस दो तथा ए बी संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर दो होगा। ठीक है, तो हल में लिखेंगे हम लोग कि बिंदुओं के संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो शून्य होगा, होगा ना। यदि संरेख हैं तो संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, अर्थात इतना बराबर क्या होगा, जीरो होगा। यही ना त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। कैसे, मैंने डायरेक्ट हम लिखे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है क्या था, एक बटे हई वाला था ना, जैसे कि तीसरा में आप लोगों को बता चुके हैं कि डायरेक्ट हम लोग इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। जो तीसरा समझेगा वो चौथा भी समझ जाएगा कि डायरेक्ट हमको, अब कहीं भी जब संरेख है तो संरेख है तो हम लोग जो है इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, जब संरेख है तब बराबर जीरो करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जो एक बटे दो का इधर आता है तो जीरो हो जाता है, तो इसलिए एक इतना बराबर खाली जीरो लिख देते हैं तो इस सूत्र का डायरेक्ट काम चल जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है अब हम लोग, इसलिए हमने डायरेक्ट इस सूत्र को इतना बराबर जीरो लिख दिया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो है क्रमशः इस सूत्र में जो इसका मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, मैंने मान लेंगे कि माना कि x1 बराबर क्या है, भाई यहाँ पे हमने जो है बताया था ना भाई, इसको x1 इसको y1 मान लेंगे, तो इसी को हमने मान लिया है क्रमशः कि माना x1 बराबर -1 है, x2 बराबर 4 है, x3 बराबर a है। मैंने x1 कहाँ से आया, माइनस में एक, तो यहाँ से। ठीक है, x2 कहाँ से आया, तो यहाँ से। x3 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। ठीक है, और उसके बाद से जो है y1 कहाँ से आएगा, तो y1 का मान यहाँ से आएगा, y2 का मान यहाँ से आएगा, y3 का मान यहाँ से आ जाएगा। क्रमशः जो है भाई एक दो तीन को बिंदु है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा ना। तो अब इसमें कोई दिक्कत, तो ठीक है, तो अब देखिए, तब अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो जब इतना मान लिया गया तब हम लोग लिखेंगे तब क्या, तब इसमें हम लोग मान भर देंगे। जब x1 x2 x3 का मान मिल गया और y1 y2 y3 का मान मिल गया, तब इसमें मान भर देंगे हम लोग। तो मान भर दीजिए, तो मान भरते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। तो x1 का मान देखिए -1 है, तो -1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद y2 - y3, तो y2 माइनस में 2 है और y3 का मान माइनस में b हो जाएगा। ठीक है, मैंने सूत्र में यहाँ माइनस है तो माइनस, और y3 का मान में b है तो b रख देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस। ठीक है, x2 का मान 4 है। ठीक है, उसके बाद से जो है y3 - y1, तो y3 का मतलब b, और y1 का मतलब 3। ठीक है, और फिर प्लस में जो है क्या लिख देंगे, x3, तो x3 का मान a है, तो यहाँ पे लिखेंगे a। y1 - y2, तो y1 का मान कितना है, y1 - y2 y1 का मान 3 है, माइनस में y2 का मान माइनस में 2 है। तो देखिए माइनस में 2 है, हाँ यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस। तो डायरेक्ट हम लोग प्लस 2 लिख दें तो कोनो दिक्कत, हाँ डायरेक्ट 2 लिख दें तो कोनो दिक्कत होना चाहिए। जैसे सूत्र में ऑलरेडी यहाँ माइनस है, आ इस माइनस को यहाँ रखेंगे तो गुणा होगा। ठीक है ना, माइनस माइनस चिन्हों का गुणा होता है। ठीक है, तो जब गुणा होगा तो जो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा, तो प्लस में 2 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, अब जो है क्या करेंगे, तो अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, अब इसको और साल आप बराबर जीरो कर दीजिएगा, बराबर तो जीरो चलता ही रहेगा ही, देखिए। ठीक है, तो बराबर जीरो रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद से इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा या करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या करके इसको लिखेंगे, तब यहाँ पे देखिए -1 का जो है -2 में गुणा होगा। देखिए चूंकि अब -2 है और माइनस में बी है, तो इसमें जो है डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो -1 का -2 में गुणा होगा, तो -1 गुणे -2 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 गुणे -2 तो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -1 का -b के साथ गुणा होगा, b है। ठीक है ना, -1 का -b के साथ गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस में बी। ठीक है, ये प्लस में बी हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ प्लस है तो प्लस रखिए, अब 4b का मैंने 4 का बी में भी गुणा होगा। ठीक है, 4 का जो है -3 में भी, इसमें भी वही होगा क्योंकि इसको जोड़ सकते नहीं एक में, तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो 4 का जो b में गुणा करेंगे तो 4b हो जाएगा,
और उसके बाद से चार का माइनस तीन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार तिहाई 12, ठीक है ना। मैंने प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस में आएगा, चार तिहाई 12। अब प्लस में देखिए, प्लस में ए है, और ए का तीन के साथ, अब देखिए अब इसको जोड़ सकते हैं हम लोग, नंबर है तो नंबर है तो इसको जोड़ेंगे तो तीन दो पाँच, तो पाँच का जो है ए के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाँच ए, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब बराबर कर देंगे जीरो, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस में दो है और माइनस में 12 है, तो घट जाएगा ना, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए प्लस में बी है, माने क्या करेंगे, पहले जो है अचर राशियों को एक पास कर लेते हैं, तो पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं और इसको हल्का करते हैं, तो या कर देते हैं या बराबर। अब देखिए अंकवा को जो है इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, अंकवा का तो माइनस 12 है और प्लस में 2 है, तो जो है इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 2 घट जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। आ इसको देखिए ए गो बी है और चार गो बी है, तो चार गो बी और ए गो बी, पाँच गो बी हो जाएगा, ठीक है, तो पाँच गो बी ई हो गया, अब प्लस में जो है पाँच ए यहाँ पे हो गया, अब बराबर लिख देंगे जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 10 है, तो इसको जो है बराबर के इधर लाइए जिधर जीरो है, ठीक है, तो बराबर के इधर लाएंगे जीरो के तरफ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पाँच बी और प्लस में पाँच ए तो रहेगा ही रहेगा, पाँच बी और प्लस में पाँच ए इधर ही रहेगा, इधर ही है, ठीक है ना। आ जो है माइनस 10 को इधर ला रहे हैं, जिधर है जीरो है इधर ला रहे हैं, तो जिधर जीरो है तो इधर आएगा, तो इसका क्या होगा, प्लस में जो है 10 हो जाएगा, ठीक है। आई जीरो का मतलब जीरो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जीरो का मतलब जीरो रहने दीजिए, चाहे नहीं लिख भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। मैंने जी को खत्म, जीरो को ख़त्म कर लेते हैं, आप प्लस में 10 लिख लेते हैं, ठीक है, तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 10 है, तो यानी कि पूरा, अब जैसे यहाँ हम लोग 5 कामन ही ले लेते हैं, ठीक है ना, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, तो 5 कामन हो गया, आई बी प्लस ये हो गया ना, अब बराबर हो गया 10। तो देखिए अब भाई इसके साथ कामन है, तो 5 का इसके साथ गुणा है ना, तो गुणा है, तो जब गुणा जो है बराबर के इधर आता है तो क्या होता है, भाग हो जाता है, तो b प्लस ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 10/5, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो 10/5 का मतलब क्या हो गया कि 5 दूना 10 2, यानी कि b प्लस ए बराबर 2, ठीक है, या इसी बतिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए बराबर 2 लिख सकते हैं, अच्छा है, a प्लस बी बराबर 2 लिख सकते हैं ना, कोनो दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। योग में जो है अंकों का स्थान बदलने से कोई मान पे फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना, तो इसलिए a प्लस बी बराबर 2, ये हम लोग को दिखाना था कि इतना होगा, तो ये ऑटोमेटिक हो गया ना, तो इसी को लिख देंगे अब हम लोग इति सिद्धम, इसी को क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है, तो यह जो है सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया है, लग रहा है कि उपयोगी है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है ना, कोई पैसा नहीं लगता है जुड़ने का और सब्सक्राइब करने का, और मैसेज भी लिखने का कोई जो है पैसा खर्च नहीं लगता है, खाली एक सेकेंड का समय लगेगा, तो मैसेज भी कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले, ठीक है, और हमने जो है एक नेक काम किया ऐसा जो है एहसास हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइबर तो ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना खुश रहिए और औरों को भी खुशी बांटिए, जय हिंद।